हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर मेरे 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 40 हैं, तो मेरा हो जाए कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर किस्मत के ऊपर है, बहुत सारे लोगों का ऐसा नंबर आया है कि 25 से लेकर 40 तक मैक्सिमम लोग जो हैं इनका इसी में नंबर दिखाई दे रहा है। जो भी कमेंट आ रहे हैं कोई भी चैनल पर आप देख लीजिए, 25 से लेकर 40 के बीच में बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर किस्मत आपका कैसे साथ दे सकता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इतने नंबर अगर आपका है तो हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि 25 से आपका जो है 40 हो जाए। SC ST की मैं बात कर रहा हूँ, और जो है OBC जनरल की बात करें तो हो सकता है कि 30 या 35 से आपका जो है 55 हो जाए। किस तरह से होगा सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इतने नंबर आपके हैं तो हो सकता है कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा कितना नंबर हमको पाना है, कितना प्रतिशत। दोस्तों देखिए, नंबर की बात नहीं हो रही है, 100 में यहाँ पर बोला है कि 40% जो है पाना अनिवार्य है जनरल को, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 जो है परसेंट पाना अनिवार्य है, ठीक है। तो सभी लोग, मैक्सिमम लोग इसी में आते होंगे, तो 30% या 40% जो पाना अनिवार्य है दोस्तों, वो 100 नंबर पे 40 नंबर पाना नहीं अनिवार्य है। जितना भी क्वेश्चन है, अब मान लीजिए इग्नोर ही आपका 5 है, या किसी किसी में हुआ होगा 7 8 भी इग्नोर होगा, तो अगर 8 इग्नोर है तो दोस्तों आपको 92 में से 40% पाना है। यानी कि आप जितना नंबर पा रहे हैं उसको आप ऊपर रखिए, भागे में इग्नोर के बाद आपका कितना सारा क्वेश्चन हो रहा है। यानी मान लीजिए 8 इग्नोर है, अब मान लीजिए आपने 40 यहाँ पर पाया है, तो यहाँ पर आप क्या 8 इग्नोर कितना रखेंगे, यहाँ पे 100 की जगह पे 92 रखेंगे और गुणा के 100 करेंगे, तो आपका जितना नंबर आता है दोस्तों, ये आप प्रतिशत से देखिए कि आपका जो है 40% से ऊपर हो रहा है कि नहीं। जनरल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मान लीजिए आपका 39 भी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके दो या तीन तीन मान लीजिए कि जो है इग्नोर किए गए हैं, तो आप नीचे क्या रखेंगे, 39 बटा के आप रखेंगे 97 और गुणा के 100 करिए। अब दोस्तों देखिए कि आपका 40% से ऊपर है कि नहीं, ठीक है। ये सभी चीज़ें दोस्तों नॉर्मलाइज होने के बाद बढ़ने वाली हैं, साथ ही साथ OBC SC ST ये सभी लोग जो हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका भी बढ़ेगा। ये भी 30%, यानी 100 में 30 नहीं पाना है, ठीक है। हो सकता है जनरल वालों की मैं पहले बात कर लूं, हो सकता है किसी के 51 सही हो, कुछ गलत करके मान लीजिए 40 आते हो, या हो सकता है कि, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे 25 हैं और कुछ मान लीजिए 34 35 या जो है 30 गलत हैं, तो मेरा होगा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 25 की मैं बात कर रहा हूँ, माइनस निगेटिव होने के बाद मैं 25 की बात कर रहा हूँ, 30 आपके गलत हैं और 25 सही हैं, तो अब कभी नहीं हो सकता, ये समझ जाइए। एकदम हाथ पकड़ के ही भगवान करना चाहेंगे तभी हो पाएगा, वैसे एकदम नहीं होगा, क्योंकि 25 है अभी, इसमें से आपका 30 है, यानी 10 नंबर और माइनस होगा, आप 15 पे चले आएंगे। अब नॉर्मलाइजेशन मान ली होने के बाद भी अगर 20 नंबर भी आपका बढ़ता है तो आप 25 पे बहुत आएंगे तो आएंगे, ठीक है। मान ली, अरे सॉरी, यहाँ पे जो है 35 पे बहुत आएंगे तो आएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर बढ़ने के बाद भी, तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा हूँ वही कि 20 नंबर बढ़ेगा तब तो आएंगे, इतना नहीं होता है, 15 तक जो है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क में बढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी उस पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो हो सकता है किसी में जो है 15 नंबर बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है किसी में 5 नंबर बढ़ जाए, या हो सकता है किसी में 2 नंबर बढ़े, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिस्कस कर की जाएगी कि कितना आपका बढ़ा है, कितना चीज़ें हुए हैं। फिर से मैं बता दूँ, 25 से लेकर 40 जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है नंबर है, ठीक है। बात कर लें कि 30% वालों का, कि इसका कैटेगरी जो है 30 नंबर हमको पाना है कि नहीं 100 में, तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, जो आपका रॉ मार्क जो आ रहा है, मतलब माइनस करने के बाद जो आपका मैटर आ रहा है, उसका 30% कैसे आप निकालेंगे, 100 का 30 नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप में भी जो है, मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन मान लीजिए कि जो है आपने पाया है 29, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए आपका इग्नोर है, पक्का होगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में देख लीजिए 3 या 2 क्वेश्चन तो कम से कम है ही, तो आपने 29 पाया है, अब आप मायूस हो रहे हैं कि मतलब माइनस करने के बाद आपने मान लीजिए 41 42 या कुछ पाया था, या 50 55 पाया था, तो माइनस होने के बाद आपको 29 हो गया, ठीक है। तो 29 हो गया तो मायूस मत होइए दोस्तों, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप आगे जा सकते हैं। 29 है तो आप ये कर लीजिए कि कितना आपका इग्नोर है, उससे आप भाग देकर देख लीजिए कि 30% से अगर आप ऊपर हैं OBC वालों की, इन लोगों की बात कर रहा हूँ, SC वालों की, तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका 59 5 मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर जो है इग्नोर है,
तो 95 से भाग दे दीजिए और देखिए कितना प्रतिशत, 100 से फिर गुणा करके कितना प्रतिशत आपका आ रहा है। अगर आप 30% से ऊपर हैं तो दोस्तों जो है आपका आशा है कि नॉर्मलाइजेशन का वेट कीजिए, और जिन भी लोग का 30% या 40% का ऊपर भी नहीं हो पा रहा है तो बहुत ही कम चांस है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है आपका 20 नंबर 15 नंबर बढ़ेगा, तभी आपका जो है आ सकता है। समझ लीजिए दोस्तों कि ना के बराबर है, आपको भले ही खराब लग रहा होगा, फिर से मैं बता दूं कि जो है इग्नोर के बाद उसको भाग देकर देख लीजिए। मान लीजिए आपके जनरल की मैं बात कर लूं, फिर से मैं बता रहा हूं 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए 8 आपका इग्नोर होगा या फिर आपका 7 हो सकता है, बहुत अधिक होगा तो 8 होगा, नहीं तो 2 भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपका 3 4 भी इग्नोर होगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी आप निगेटिव करने के बाद आपका आ रहा है, मान लीजिए 39 आ गया, 35 आ गया, 35 आ गया दोस्तों, मान लीजिए कि आपके 8 इग्नोर है, तो 92 से भाग देकर और यहाँ पर गुणा 100 करके आप प्रतिशत निकाल लीजिए, देखिए आपका कितना परसेंट आ रहा है। 40 की कैटेगरी को अगर आप पार कर दे देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद पक्का है दोस्तों कि 5 से लेकर जो है 15 नंबर यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या चीज़ें मैटर करती हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे का जो है 45 नंबर आया है और उसका जो है बहुत ही टफ पेपर था, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 50 या 55 51 52 आया है, ठीक है, इनका जो है बहुत ही सरल पेपर था, तो यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन में जब मार्क बढ़ेंगे तो इनका सोच लीजिए मान लीजिए 15 नंबर बढ़ जाता है और इनका 5 नंबर ही बढ़ता है या 6 नंबर ही बढ़ता है, तो ये आपके 57 तक पहुँचेंगे और ये जो है वो 60 तक पहुँच जाएगा, तो सिलेक्शन किसका होगा, 60 नंबर वाले का। तो कुछ इस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है हर एक शिफ्ट को, बहुत सारे आपके एग्जाम हुए हैं तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, पेपर जब बनता है तो स्टार्टिंग में जो है पेपर बहुत ही ईजी आता है, सरल आता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जो है क्वेश्चन डीप से पूछे जाने लगते हैं और क्वेश्चन जो है आपका शिफ्ट जो है हार्ड होने लगता है, तो जो भी लोग का स्टार्टिंग में था उन लोगों का सरल आता ही है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं और किसका मतलब हाई है, किसका कौन से शिफ्ट का डाउन है, ये सभी चीज़ें वो देख करके ही करेंगे, उसी के हिसाब से आपको जो है आपको 20 नंबर या सबको 20 नंबर या 15 नंबर नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, सबको नहीं मिलने वाले हैं, जिसकी शिफ्ट हार्ड होती है उसके हिसाब से उनको जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए जाते हैं। हो सकता है कि आपका 5 नंबर भी बढ़े और हो सकता है आपके 2 नंबर भी बढ़े, ठीक है, और हो सकता है कि आपका जो है नंबर ना बढ़े, कम नहीं होगा दोस्तों, हो सकता है 10 नंबर भी बढ़े, तो ये सभी चीज़ें जो है आपके शिफ्ट पे नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जिन भी लोगों का एक और कमेंट आ रहा है कि मेरे 25 सही हैं और 35 36 या 40 गलत हैं, तो अब अभी देखिए अभी इसमें से माइनस होगा, ठीक है, तो आप आशा छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे नहीं है कोई भी चीज़ें, आगे भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में आपका हो जाएगा, सॉरी इसके लिए बहुत ही खराब लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं बता दूं कि जिन भी लोगों का माइनस करने के बाद 25 आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका बढ़ सकता है, 30 आ रहा है तो आपका 15 नंबर अगर बढ़ जाता है तो सिलेक्शन में आप आ सकते हैं, 35 आ रहा है तो 20 नंबर या 15 10 नंबर आपका बढ़ जाए तो आप सिलेक्शन में आ सकते हैं। तो दोस्तों जनरल अगर आप हैं 40 आ रहा है या 39 आ रहा है तो आपका जो है 10 से 15 नंबर बढ़ेगा तो आप जो है सिलेक्शन के पास में पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो है आपके जोन में जो है कट ऑफ कम जाए तो आपका सिलेक्शन वहां पे हो सकता है। फिजिकल की तैयारी कौन कौन लोग करें, जैसे मैंने आपको परसेंटेज निकाल के बताया वैसे परसेंट निकाल के अगर आपका 40 का पार कर जाता है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 41 42 43 45 इतना प्रतिशत भी आ जा रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। ओबीसी एससी एसटी की मैं बात कर रहा हूँ, 30% की जो है पार कर जाता है जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके देखिए, और नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए, फिजिकल की वैसे तैयारी करिए आप सभी लोग जिन भी लोगों का ठीक ठाक नंबर है, ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से देखिए 30 के अगर पार कर जाते हैं, प्रतिशत 30% ही आप लोगों को पाना है, उससे अधिक आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ये नहीं है कि कट ऑफ में आ जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई माने जाएंगे ना, तो आप वैसे करके देख लीजिए कितने इग्नोर हैं उससे भाग देकर देख लीजिए और नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए। और फिजिकल की तैयारी सभी लोग करें, 35 किलो उठाकर चलना मतलब मामूली बात नहीं है, रोज जो लोग कर थोड़ी नहीं रहे कि ऐसे 35 किलोमीटर उठा के 2 मिनट में चल जाना और 1 किलोमीटर की रनिंग जो है तेज में ही पार करना होगा दोस्तों, धीरे धीरे दौड़ के बनाई नहीं जा सकती है। हाँ हो सकता है कि आप शुरुआत करेंगे तो कम दौड़ेंगे, 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर में थक जाएंगे, लेकिन फिजिकल की तैयारी दोस्तों अपनी जारी रखिए, ठीक है, लगातार। और आप सभी लोगों को पता चल ही चुका होगा कि 13 तारीख को जो है आप सभी लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए। फिर से मैं बता दूं 35 40 ये सभी लोग हो सकते हैं, अगर आप एस सी एस टी में हैं
प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 40% से ऊपर अगर आप जनरल वाले चले जाते हैं और 30% से ऊपर रिजर्व कैटेगरी वाले चले जाते हैं तो आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 5, 7, 2 और आपके 15-15 नंबर तक भी बढ़ते हैं, 20-20 नंबर तक भी बढ़ते हैं, आपने देखा है CBT 1 में आपके ALP टेक्नीशियन के, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारे वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ चीज़ें आपको खराब लगी होंगी बहुत सारे लोगों को, मगर सत्य है दोस्तों कि प्रतिशत आप निकाल कर देख लीजिए, उतना परसेंट आ रहा है तो हाँ आप दौड़ में शामिल हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का वेट करिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारे वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।